सर्वप्रथम केंद्र सरकार के उन मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनमें कार्मिकों की संख्या 300 से कम है। इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव। द्वितीय पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। द्वितीय पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री परमेश्वरन अय्यर सचिव। तृतीय पुरस्कार भारी उद्योग विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री एन शिवानंद संयुक्त सचिव। अब इसी योजना के अंतर्गत उन मंत्रालयों तथा विभागों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जिनमें कार्मिकों की संख्या 300 से अधिक है। प्रथम पुरस्कार अंतरिक्ष विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगी सुश्री वंदिता शर्मा अपर सचिव। द्वितीय पुरस्कार शहरी विकास मंत्रालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री दुर्गा शंकर मिश्र सचिव। तृतीय पुरस्कार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग पुरस्कार ग्रहण करेंगी सुश्री प्रीति सूदन सचिव। अब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को वर्ष 2016-17 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र के उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार एनएचपीसी लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री रतीश कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। द्वितीय पुरस्कार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे डॉक्टर मेडिदी रविकांत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तृतीय पुरस्कार पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। ख क्षेत्र के उपक्रमों में प्रथम पुरस्कार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री मुकेश कुमार सुराणा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। द्वितीय पुरस्कार भारतीय कपास निगम लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री एम एम चोकीलंगम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। तृतीय पुरस्कार कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री संजय गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। अब ग क्षेत्र के उपक्रम प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री पोनापल्ले मधुसूदन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। द्वितीय पुरस्कार गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री असित कुमार नंदा निदेशक कार्मिक। तृतीय पुरस्कार हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री मयूक भादुड़ी अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। अब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत भारत सरकार के बोर्ड स्वायत्त निकाय ट्रस्ट सोसाइटी आदि को वर्ष 2016-17 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रोफेसर सरित कुमार चौधरी निदेशक। द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री दिनेश कुमार प्रबंध निदेशक। तृतीय पुरस्कार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रोफेसर मनोज पंत निदेशक। ख क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री दिलीप रथ अध्यक्ष। द्वितीय पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास मुंबई पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री नीरज बंसल उपाध्यक्ष। तृतीय पुरस्कार भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद पुरस्कार प्राप्त करेंगे कमांडर मनोज भट्ट सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु
पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री वी एस नंद कुमार महानिदेशक। द्वितीय पुरस्कार दामोदर घाटी निगम कोलकाता। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री एंड्रयू डब्ल्यू के लैंगस्टे अध्यक्ष। तृतीय पुरस्कार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोची। पुरस्कार ग्रहण करेंगे डॉक्टर ए जयतिलक अध्यक्ष। अब राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 2016-17 के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार पंजाब एंड सिंध बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री जतिंदर बीर सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। द्वितीय पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री संजीव शरण कार्यपालक निदेशक। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री पी एस जयकुमार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार बैंक ऑफ इंडिया। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री दीनबंधु मोहापात्रा निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार विजया बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री आर ए शंकर नारायणन प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। द्वितीय पुरस्कार कॉरपोरेशन बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री जय कुमार गर्ग प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब क ख और ग क्षेत्रों में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही पुरस्कार विजेता समितियों के सदस्य सचिवों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। क क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार विजेता समिति है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस समिति के अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री नवीन चंद्र उप्रेती। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे समिति के सदस्य सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री संजय सिंह। द्वितीय पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति वाराणसी बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री अशोक कुमार गर्ग। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे समिति के सदस्य सचिव एवं प्रबंधक राजभाषा श्री जयप्रकाश तिवारी। ख क्षेत्र में स्थित समितियों में प्रथम पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुंबई उपक्रम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस समिति के अध्यक्ष एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मुकेश कुमार सुराणा। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे समिति के सदस्य सचिव एवं उप महाप्रबंधक श्री राम विचार यादव। द्वितीय पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति वडोदरा बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे समिति के अध्यक्ष एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक परिचालन एवं सेवाएं श्री के आर कनौजिया। प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी समिति की सदस्य सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक राजभाषा सुश्री पारुल मशर। ग क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद उपक्रम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे समिति के अध्यक्ष तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी उदय भास्कर। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे समिति के सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा श्री होम निधि शर्मा। द्वितीय पुरस्कार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति हैदराबाद बैंक। पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस समिति के अध्यक्ष एवं भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय हैदराबाद के मुख्य महाप्रबंधक श्री हरदयाल प्रसाद। प्रमाण पत्र ग्रहण करेंगे समिति के सदस्य सचिव एवं सहायक महाप्रबंधक राजभाषा डॉक्टर विष्णु भगवान। अब वर्ष 2016-17 में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। क क्षेत्र प्रथम पुरस्कार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की गृह पत्रिका इक्षु को दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर अश्विनी दत्त पाठक। द्वितीय पुरस्कार मिलता है एनएचपीसी लिमिटेड फरीदाबाद की गृह पत्रिका राजभाषा ज्योति को। पुरस्कार ग्रहण करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रतीश कुमार। ख क्षेत्र प्रथम पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट केंद्र मुंबई की गृह पत्रिका प्रयास को दिया जाता है।
पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बैंकिंग समूह भारतीय स्टेट बैंक श्री रजनीश कुमार। द्वितीय पुरस्कार IDBI बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय मुंबई की गृह पत्रिका विकास प्रभा को दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक अधिकारी श्री महेश कुमार जैन। ग क्षेत्र प्रथम पुरस्कार विजेता गृह पत्रिका है सिंडिकेट बैंक प्रधान कार्यालय मणिपाल की गृह पत्रिका जागृति। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री मेलविन रेगो प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंडिकेट बैंक। द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है इंडियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय चेन्नई की गृह पत्रिका वाणी को। पुरस्कार ग्रहण करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर सुब्रमण्य कुमार। अब केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए राजभाषा गौरव मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना 2016 के अंतर्गत मूल रूप से हिंदी में लिखित पुस्तकों के लिए शील्ड प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 60,000 रुपये और प्रोत्साहन पुरस्कार 30,000 रुपये है। प्रथम पुरस्कार 20वीं सदी में भारत चीन संबंध पुस्तक को मिलता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं पुस्तक के लेखक श्री केशव मिश्रा और इसी पुस्तक के सह लेखक श्री प्रवीण भारद्वाज। द्वितीय पुरस्कार विजेता पुस्तक है बीमा सुरक्षा और सामाजिक सरोकार। पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर अमरीश सिन्हा। तृतीय पुरस्कार समावेशी बैंकिंग पुस्तक को मिलता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामजस यादव और इसी पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर दिनेश कुमार। अब भारत के नागरिकों के लिए राजभाषा गौरव मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में मूल रूप से हिंदी में लिखित उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को शील्ड प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 2,00,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1,25,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 75,000 रुपये और प्रोत्साहन पुरस्कार 10,000 रुपये है। प्रथम पुरस्कार विजेता पुस्तक है भारतीय परिदृश्य में कृषि। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं पुस्तक के लेखक डॉक्टर उपेंद्र सिंह। साथ ही पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर सुनील कुमार गोयल। द्वितीय पुरस्कार भारत एक विमर्श पुस्तक को दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी पुस्तक की लेखिका सुश्री कंचन शर्मा। तृतीय पुरस्कार कृषि विपणन बदलते आयाम पुस्तक को मिलता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे पुस्तक के लेखक श्री राम विलास यादव। साथ ही पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस पुस्तक के सह लेखक श्री राधेश्याम यादव। अब केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों को वर्ष 2016-17 के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी तथा हिंदीतर भाषी लेखकों को प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। हिंदी भाषी लेखकों के लिए प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 18,000 रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 15,000 रुपये है। हिंदी भाषी लेखकों के लिए पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार मिला है भारत में बोलियों की लड़ाई और हिंदी भाषा का भविष्य लेख को। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं लेखक श्री दिलीप कुमार सिंह। द्वितीय पुरस्कार मुद्रा योजना की सफलता में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका लेख को मिलता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी इस लेख की लेखिका श्रीमती मोनालिसा पवार। तृतीय पुरस्कार जीतने वाले लेख का नाम है जलबिन जीवन कंठ है सूखे आंखें नम। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री रोहित कुमार। हिंदीतर भाषी लेखकों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार विमानन सुरक्षा के लिए मौसम सेवाएं लेख को दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री RBS नारायण। द्वितीय पुरस्कार इस्पात उत्पादन व पर्यावरण संरक्षण का अनोखा सामंजस्य लेख को। पुरस्कार ग्रहण करेंगी लेख की लेखिका श्रीमती सुगुणा। तृतीय पुरस्कार भारतीय करेंसी नोटों का इतिहास लेख को दिया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे लेखक श्री रवि गुप्ता। इसके साथ ही राजभाषा पुरस्कार वितरण संपन्न होता है। सभी पुरस्कार विजेताओं को राजभाषा विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाई। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी,
गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर जी, गृह मंत्री श्री किरण रिजिजू, सभी गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, मैं सभी हिंदी प्रेमियों और देशवासियों को आज हिंदी दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी पुरस्कार विजेताओं को भी मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। और हिंदी भाषा के लिए उनके योगदान की सराहना करता हूं। लीला मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी सीखने की ऑनलाइन सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं राजभाषा विभाग की प्रशंसा करता हूं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 की बैठक में देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सुझाव पर इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को याद रखने और हिंदी के प्रसार के लिए वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज की तिथि में लगभग हम 63 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के संविधान सभा के निर्णय के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनमानस को जोड़ने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा कि गृह मंत्री जी ने भी उल्लेख किया, जो गैर हिंदी भाषी थे, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य काका कालिकर की अपनी भाषाएं गुजराती, बंगला और मराठी थी, लेकिन उन महापुरुषों ने भी हिंदी भाषा में देश को जोड़ने की ताकत को पहचाना था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन महापुरुषों के नेतृत्व में वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की गई थी। उनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट तथा केशव चंद्र सेन जैसी विभूतियों ने हिंदी भाषा को जन जागरण का माध्यम बनाने पर जोर दिया था, जबकि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। आज़ादी के बाद इस जन भाषा का सफल उपयोग मराठी भाषी आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के दौरान किया था। विदेशी मूल के विद्वानों द्वारा हिंदी की सेवा करने के अनेक उदाहरण हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश सबसे अधिक लोकप्रिय है। हिंदी भाषा के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हर भारतीय भाषा में उपलब्ध हैं और पढ़ी जाती हैं। सचमुच में उनकी कहानियों में पूरा भारत बसता है। हमारे संविधान की भाषा सूची में हिंदी समेत 22 भारतीय भाषाएं हैं। साथ ही संविधान में हिंदी के प्रसार और विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार विकसित करने से भारत हिंदी भाषा भारत के कंपोजिट कल्चर को अर्थात सामासिक संस्कृति को व्यक्त करने में अधिक समर्थ हो सकती है। दूसरी भारतीय भाषाओं को बोलने वाले हमारे देशवासी उत्साह के साथ हिंदी को अपनाएं, इसके लिए हिंदी भाषी लोगों को पहल करनी होगी। हम सब लोगों की अपेक्षा होती है जो हिंदी भाषी हैं कि अर्थात जो गैर हिंदी भाषा को बोलने, समझने, जानने वाले लोग हैं, वो हिंदी भाषा को अपनाएं। मुझे लगता है एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही अपेक्षा हम सब जो हिंदी भाषी हैं उनसे भी, जो दूसरे गैर हिंदी भाषाई को बोलने समझने वाले हैं, वो भी अपेक्षा करते हैं।
और इसको मैं जब इधर हमारा इस पहलू पर ध्यान नहीं जाता है तो कभी कभी एक संघर्ष का स्वरूप उठता है। कुछ ही समय पहले हम सब लोगों ने ध्यान दिया होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में मेट्रो का, सब लोग जानते हैं, हिंदी वहाँ भी जानते हैं। इसके पहले कभी इतिहास गवाह है कि तमिलनाडु में कुछ इस प्रकार की बातें आई थी, जबकि हिंदी का प्रबल विरोध किया गया था। जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उनको एक उनके मन में एक भावना स्थापित होती जा रही थी कि कहीं हम पर हिंदी थोपी तो नहीं जा रही है। और ये इस पहलू को हमें बहुत विचार करके, और कभी कभी मैं कहता हूँ कि हिंदी का विकास और हिंदी का अस्तित्व हिंदी भाषा को बोलने, समझने, लिखने, पढ़ने वालों पर इतना निर्भर नहीं करता है जितना कि उसका अस्तित्व और प्रसार गैर हिंदी भाषाई के बोलने, समझने और पढ़ने लिखने वालों पर निर्भर करता है। हमारी हिंदी का विकास बहुत हुआ है, जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि लगभग 63 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भारत में ही कहीं ना कहीं जो है हमें अपनी भाषा हिंदी भाषा का हमें विरोध सहना पड़ता है। और उसके पीछे मुझे लगता है कि इसकी पहल जो है, जो हम हिंदी भाषा को अपनाने वाले हैं, जानने बोलने वाले हैं, मुझे लगता है कि इसको हमें आगे आना पड़ेगा। हमें दूसरी हिंदी जो गैर हिंदी भाषा है उस पे हमें उनको स्पेस देना पड़ेगा। और भाषा हम सब लोग जानते हैं, भाषा कोई भी हो, लेकिन ये मानव सभ्यता का विकास भाषा ज्ञान पर ही सचमुच में आधारित रहा है। हमारे सामने इतिहास गवाह है, चीनी यात्री वेन सिंह आए, फाहियान आए, आखिर वो किस भाषा को लेके आए? अपनी भाषा को लेके आए, लेकिन जब उनके मन में ये बात थी कि हमें भारत जाना है, यहाँ पर हमें देखना है क्या है नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है गौतम बुद्ध की जो उनकी जो वाणी थी, उनका क्या संदेश है जिसको कि उन लोगों ने अपना तो लिया, लेकिन आखिर वो देश कौन सा है, वो स्थान कौन सा है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए थे। और इसके लिए वो ढूंढते ढूंढते आते हैं, ना जाने कितनी बीच में उनको भाषाएं मिली होंगी, उन भाषाओं को उन्होंने थोड़ा सा सीखा अपनाया, अपनी भाषा उनके साथ में उसका पारस्परिक आदान प्रदान किया और धीरे धीरे वो नालंदा तक पहुँचे। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में नालंदा एक ज्ञान का केंद्र था, विश्व स्तरीय केंद्र, और वो पहला केंद्र था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सब लोगों का दायित्व बनता है हिंदी भाषी का कि हम लोग गैर हिंदी भाषाई लोगों का सम्मान करें, उनकी भाषा का सम्मान करें। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपसे और एक निवेदन करना चाहता हूँ। एक जो मनोविज्ञान कहता है, मनोविज्ञान ये कहता है कि यदि कोई जिसको हम दक्षिण भारतीय कहते हैं, यदि हम कभी चेन्नई में जाएं, हम जानते हैं, वो भी हमें जानता है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन यदि उसको हम बड़क्कम कहकर के यदि हम उसका संबोधन करेंगे तो मुझे लगता है उसके मन में जो एक भावना होगी आपके प्रति करुणा और आपके प्रति जो सहर्ष, जो एक स्वीकारता बढ़ेगी, वो मुझे लगता है उसका इस भाषा के बिना नहीं हो सकता। इसी तरीके से किसी यदि सिख समुदाय को मिलता है कोई व्यक्ति, हम जानते हैं वो पंजाबी जानता है, हमारी हिंदी भाषा है, लेकिन यदि उसको कभी हम सत श्री अकाल कहकर के संबोधन करें, उसका परिणाम देखिए। किसी यदि हमारे मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति मिल जाए, यदि उसको आदाब कहें, या गुजराती में एक शब्द है, एक बड़े लोगों के लिए एक मुरब्बी शब्द का यदि आप उपयोग करें, तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से आंध्रा में
आप देखेंगे उनकी भाषा में गारू, यदि किसी के नाम के पीछे यदि आप माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, माननीय गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी गारू, राजनाथ सिंह गारू, वो जी का मतलब जी का उपयोग जो है वो गारू के शब्द से संबोधन करते हैं उसका एक, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की उस पल जो है वो भाषा और सम्मान के स्तर से हम सबको बहुत जोड़ता है। पूरी दुनिया को एक हम सब लोग, हमारी जो एक भारतीय परंपरा रही है, विरासत रही है, जिसमें हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की उदार भावना, अभी गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया था, ना जाने कितने देशों में हिंदी का हिंदी बोली जाती है, हिंदी उनकी भाषा है, और इसलिए देश विदेश की अनेक भाषाओं और बोलियों से ग्रहण करने की क्षमता हिंदी में है, ये बात सच है, और इस क्षमता का हमें पूरा उपयोग करना भी चाहिए। मित्रों, हमारे देश में वकील और डॉक्टर की भाषा अधिकतर लोगों के समझ में नहीं आती है, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। वकील जब अंग्रेजी में बहस करता है कोर्ट में, उसका जो मुवक्किल होता है वो हिंदी भाषी है, नहीं समझ पाता, वो गैर हिंदी भाषाई है, तमिलियन है, तेलुगू है, वकील तो अंग्रेजी में बात करेगा, बहस करेगा, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आती, वो बाद में बताएगा कि भाई हमने आपकी बात इस प्रकार से कोर्ट में रखी थी। डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे कोई नहीं पढ़ सकता, केवल केमिस्ट की जो दुकान होती है वही पढ़ सकता है, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है, राज्यों में कोर्ट कचहरी में हिंदी में बहस करने का चलन बढ़ा है, फैसले भी हिंदी में आने लगे हैं। इसी तरह यदि डॉक्टर अंग्रेजी के साथ साथ अपने परामर्श को भी देवनागरी लिपि में या अन्य जो स्थानीय भाषा है उसमें लिखने लगे तो मरीज और डॉक्टर के बीच की दूरी घटेगी। यह बदलाव देखने में सामान्य लगता है लेकिन प्रभावी होता है, यही तरीका अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जा सकता है। हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है, किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सरकार के कर्मचारियों तथा नागरिकों को मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। नए तथा तकनीकी शब्दों को बिना अनुवाद किए अपनाया जा सकता है, जैसे रेलवे स्टेशन और रजिस्टर जैसे शब्द बिना किसी अनुवाद के बरसों पहले हिंदी में घुल मिल गए थे, उसी प्रकार अनेक नए शब्दों को भी हिंदी भाषा में मिला लेना चाहिए, अन्यथा ऐसे शब्दों के हिंदी अनुवाद से भाषा की सहजता कम होती है। शब्दावली तैयार करने में स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए, सरलता के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रयोग में एक रूपता लाने में अधिक सुविधा होगी। हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी है। मुझे यह जानकर खुशी होती है कि अनेक तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाए जा रहे हैं। भाषा का आधार बचपन में ही मजबूत बनता है, स्कूली शिक्षा की हिंदी के स्वरूप पर निरंतर काम होना चाहिए। हिंदी में अच्छे बाल साहित्य का विशाल भंडार उपलब्ध हो, साथ ही विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट बालोपयोगी पुस्तकों का बड़े पैमाने पर प्रकाशन हो, ये जरूरी है। हम देखते हैं कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की पहुंच बहुत व्यापक और गहरी है। हिंदी अखबारों के पाठकों की संख्या अंग्रेजी की तुलना में कई गुना अधिक आंकी गई है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कई अखबारों का सर्कुलेशन अंग्रेजी के दैनिकों की तुलना में बहुत अधिक है। इसी प्रकार हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग अंग्रेजी में इंटरनेट के प्रयोग से अधिक हो गया है। अनुमान है कि वर्ष 2021 तक हमारे देशवासी अंग्रेजी से अधिक हिंदी भाषा में इंटरनेट का उपयोग करने लगेंगे। इसके कारण इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन पर आधारित सेवाओं का भी हिंदी के माध्यम से अधिक उपयोग होगा। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से
हिंदी भाषा को और अधिक बल मिलेगा। राजभाषा विभाग द्वारा ई महाशब्द कोश को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से हिंदी भाषा के प्रयोग में सहायता मिलेगी। हिंदी विश्व बाजार में प्रभावशाली भाषा बनकर उभर रही है। इस बाजार के लिए विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां हिंदी को ध्यान में रखकर सुविधाएं भी विकसित कर रही हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जानकारों का मानना है कि कंप्यूटिंग लैंग्वेज के लिए हिंदी एक अनुकूल भाषा है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता भी सराही जाती है। विश्व बाजार में हिंदी की साख के कारण सफल विदेशी फिल्मों की हिंदी डबिंग प्रदर्शित की जाती है। एक तरफ विदेशी भाषा की मनोरंजन सामग्री हिंदी भाषी लोगों के लिए तैयार की जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदी भाषा में बनी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। साथ ही विदेशों में हिंदी सीखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अनेक देशों में लगभग 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति मुझसे मिले थे, अभी 2 दिन पूर्व आए थे, राज्य स्टेट विजिट पर थे, और एक प्रसंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। आप कहेंगे अंग्रेजी भूल गए लेकिन परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति भवन में उनको एक राजभोज का आयोजित किया गया, और स्वाभाविक जब हमने उनसे जानकारी उनके यहाँ से पता किया कि वो अपना उद्बोधन किस भाषा में देंगे, तो बताया गया कि वो उनकी जो भाषा रूसी भाषा है, रूस का एक हिस्सा है बेलारूस, तो रूसी भाषा में देंगे। तो हम लोगों ने भी तय किया कि मैं भी अपना उद्बोधन हिंदी में दूंगा। मैंने अपना उद्बोधन जब समाप्त किया, एक उनका शब्द आता है धन्यवाद के लिए, इस्पा बीसा। तो जब मैंने अपना समाप्त किया उसके बाद मैंने कहा इस्पा बीसा, तो तुरंत वो जो हमारे बेलारूस के राष्ट्रपति महोदय थे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और उसका तुरंत उन्होंने जो जवाब दिया था, जय हिंद। और उन्होंने ये मुझे बताया कि इस महीने से बेलारूस की स्टेट यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाएगी। अभी हम सब लोग कार्यक्रम के प्रारंभ में एक गीत हम सब लोगों ने सुना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, यही समाप्त कर दीजिए, हिंदी हैं हम। उसके बाद में आता है वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये जो हिंदी की एक कल्पना, हिंदी का अस्तित्व, अर्थात हम सबका जो अस्तित्व है वो हिंदी पर निर्भर करता है। कभी कभी लगता है कि शायद मजहब जो है वो समाज को कभी वैसे सिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बांट सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाषाएं जो है वो हमेशा जोड़ती हैं, हमेशा जोड़ती हैं। आप एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान करेंगे, उनके शब्दों का उच्चारण करेंगे, तो मुझे लगता है कि जितनी आपकी समीपता आएगी वो और किसी कारण से नहीं आ सकती। मैं एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।